नमस्कार, दैनिक उजाला में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले का ग्राफ पंजाब में चिंता का विषय है। कैप्टन सरकार की तरफ से लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन भी सफल साबित नहीं हो रहा। रोजाना बढ़ रहे मामले पंजाब सरकार की कोरोना को लेकर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भले ही लुधियाना पंजाब में कोरोना के मामले में अव्वल नंबर पर है, परंतु महामारी की गंभीरता के संदर्भ में जलंधर संक्रमणों के हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। जलंधर में बढ़ती कोरोना रफ्तार अभी थमती नजर नहीं आ रही है। मिली जानकारी अनुसार अभी तक 164 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं दूसरी ओर 4 मरीजों की मौत हो गई है, जिनमें से 2 की पहचान जमशेर खास के 52 वर्षीय महेंद्र सिंह तथा नकोदर के 67 वर्षीय केशव धीर के तौर पर हुई है। इसके साथ जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 6,238 तक तथा मृतकों का आंकड़ा 158 तक पहुंच गया है। पंजाब का मशहूर बॉडी बिल्डर और नौजवान पीढ़ी को जिम के लिए उत्साहित करने वाले सतनाम खट्टड़ा का अचानक निधन हो गया है। सतनाम की मौत के बाद फिटनेस इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। सतनाम की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। सतनाम की मौत की जानकारी उनके कोच रोहिश खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। बता दें कि सतनाम खट्टड़ा के पंजाब में उनकी बॉडी को पसंद करने वाले लाखों फॉलोअर्स हैं। सतनाम टिकटॉक पर भी काफ़ी फेमस थे। लोग इनकी वीडियोस को बहुत पसंद करते थे। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉयड यूज़र के लिए नए अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस नए अपडेट के जरिए यूज़र को बेहतर ग्रुप वीडियो कॉलिंग का अनुभव मिलेगा। व्हाट्सएप के नए फीचर्स में ग्रुप कॉलिंग के लिए एक खास रिंगटोन सेट करने की ऑप्शन दी गई है। इसकी मदद से वर्क फ्रॉम होम के दौरान ऑफिस में नोटिफिकेशन को वक्त रहते हासिल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा नए स्टिकर्स एनिमेशन भी मिलेंगे। HMD ग्लोबल की स्वामित्व वाली कंपनी नोकिया ने भारत में 2 नए फोन्स को जल्द लॉन्च करने का ऐलान किया है। नोकिया मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट के जीए एक वीडियो पोस्ट की गई है, जिसमें 2 फोन्स को टीज किया गया है। जिगमो चाइना वेबसाइट से मिली जानकारी मुताबिक नोकिया की तरफ से जिन 2 फोन्स को टीज किया जा रहा है, उनमें से एक स्मार्टफोन है जबकि दूसरा फीचर फोन है। नोकिया इस फीचर को भारत का टॉप फीचर फोन जियो फोन को टक्कर देने के लिए ला रहा है। देश के स्पोर्टिंग हीरो को शनिवार को वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए। कोरोना के कारण पहली बार अवार्ड समारोह राष्ट्रीय भवन में ना होकर वर्चुअल तरीके से हुआ। साई के 11 सेंटरों में खिलाड़ियों ने ऑनलाइन होकर समारोह में हिस्सा लिया। अवार्ड 74 लोगों को दिया जाना था, लेकिन सेरेमनी में 60 ही शामिल हुए। हॉकी खिलाड़ी आकाशदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा एथलीट कुलदीप सिंह भुल्लर, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, मनजीत सिंह रॉविंग, सुखवीर सिंह फुटबॉल और लखा सिंह बॉक्सिंग को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया।